नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। इसराइल और हमास के बीच पिछले एक साल से जंग जारी है, जिसकी वजह से 6 अक्टूबर 2023 से मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। हमास की कमर तोड़ने के बाद अब इसराइल हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक है। अब इसराइल के टारगेट पर हिजबुल्ला है। इसराइल लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्ला को पूरी तरह से खत्म करने पर अडिग और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसराइली सेना पूरे दक्षिणी लेबनान में फैल चुकी है। बीते 50 साल के इतिहास में यह चौथी बार है जब इसराइली सेना लेबनान की जमीन पर पहुंची है। 2006 में 34 दिनों तक चले लंबे युद्ध के बाद इसराइली डिफेंस फोर्स लेबनान की धरती पर जंग लड़ रही है। इसी बीच इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने कहा कि IDF हिजबुल्ला के खिलाफ अगले चरण की लड़ाई की तैयारी में है। लेबनान में इजरायली सेना अब तक 50 किलोमीटर से ज्यादा घुस चुकी है। इजरायली सेना जमीनी ऑपरेशन के साथ साथ हवाई कार्रवाई भी कर रही है। नेतन्याहू की वायुसेना आसमान से बम और मिसाइल गिराकर जमीनी सेना की मदद कर रही है और हिजबुल्ला के लड़ाके के बंकरों को ध्वस्त कर रही है। हमलों के डर से बड़ी तादाद में हिजबुल्ला के लड़ाके इलाका छोड़ भाग चुके हैं। थोड़ा बहुत संघर्ष लेबनानी सेना और बचे कुचे लड़ाकों के साथ हो रही है। इस पूरे इलाके में लेबनान के लोग नहीं हैं। करीब 10 लाख लोग इस इलाके को छोड़कर जा चुके हैं। उसके कई बड़े लड़ाके अब तक मारे जा चुके हैं। हालांकि हिजबुल्ला के बचे खुचे आतंकी जरूर अभी भी इजरायली हमलों का जवाब देने की कोशिश में जुटा है। हालांकि उसे इसमें कोई खास कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दे रही। इजरायली डिफेंस फोर्स के लेबनान में भीषण हमले के बाद अब हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और हिजबुल्ला की तरफ से किए गए इजरायल पर हमले काफी घातक रहे हैं। जी हाँ, दक्षिणी लेबनान से इसराइल पर मिसाइल से हमले किए गए हैं। हालांकि लेबनान से किए गए हमलों पर इसराइल में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इसराइल की आयरन डोम ने हिजबुल्ला के मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसमें तेल अविव की तरफ आती एक बैलिस्टिक मिसाइल भी है। इसराइली सेना ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। हिजबुल्ला के अचानक हमले से तेल अविव समेत 40 शहरों में सायरन बजे। गाजा में हाहाकार मचाने के बाद अब इजरायली सेना लेबनान में कहर बनकर टूट रही है। पहले ही एक हवाई हमले में सैकड़ों की मौत के घात उतार देने के बाद इजरायली सेना दूसरे बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इजरायली सेना का कहना है कि लेबनान में उसे कम समय में अधिक लक्ष्य हासिल करना है, इसलिए सेना अधिक घातक हमले कर रही है। पहले अटैक में IDF ने 1600 ठिकानों पर हमले किए और एक ही झटके में कई हिजबुल्ला कमांडरों को मार डाला। इस हमले में निर्दोषों की भी जान चली गई। कुल 500 गई जानों में 90 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सेना का कहना है कि जल्द ही लेबनान पर दूसरा अटैक भी होने वाला है। इसी बीच हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। इसराइल को पहले ही अंदेशा था, इसलिए देश भर में हफ्ते भर की इमरजेंसी जारी कर रखी थी। इजरायली सेना ने कहा था कि बुधवार को इसराइल की आर्थिक राजधानी तेल अविव समेत 40 शहरों में सायरन बजे। दरअसल हिजबुल्ला ने लेबनान से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और कई ड्रोन से एक साथ अटैक कर दिया था। तेल अविव पर साउथ लेबनान से दागी गई मिसाइल को आयरन डोम ने हवा में ही उड़ा दिया। इजरायली सेना IDF का कहना है कि हमले से किसी भी हताहत की सूचना नहीं है। इसके अलावा किसी तरह के बड़े नुकसान की भी सूचना नहीं है। सेना ने कहा कि हिजबुल्ला के हमले से पूरे मध्य इसराइल में सायरन बजे। नागरिकों की सुरक्षा निर्देशों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। सेना ने आगे कहा कि चेतावनी और इमरजेंसी जरूरी घोषित है, लेकिन जरूरी सेवाएं और स्कूल कॉलेज खुले हैं। इमरजेंसी सेना ने दावा किया, हिजबुल्ला के हमले से निपटने के लिए हमारी सुरक्षा प्रणाली काफ़ी मजबूत है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।